मुस्कुराकर अपने गम को छुपाना सीख ले, डूबती हुई कश्ती को अपनी पार लगाना सीख ले, और कोई नहीं आएगा तेरी तकलीफें दूर करने, तो खुद ही तकलीफों से अपनी छुटकारा पाना सीख ले। एक बार नई आशा और एक नए जुनून, एक नए जज्बे के साथ में हाजिर है राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर, जहां पर आप सभी लोग एक ऐसे चेहरे से रूबरू हो रहे हैं जो बधाई में ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे शहरों में भी जाने जाते हैं अपने अपने सिर्फ टीचिंग के बेस पे। अपने टीचिंग की जो मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से बहुत बच्चों के दिल में विराजमान होते हैं। तो आइए इसी विराजमानता को आगे बढ़ाते हुए, इसी कन्वर्सेशन को, इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हुए सर से मुखातिब करवाते हैं सबसे पहले एक नए अंदाज में, क्योंकि सर की ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, मुझे पता है, मैंने सर्च करा था सर के बारे में, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस बार इस इंटरव्यू में थोड़ा सा अलग मेथड होगा और थोड़े से अलग ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूछते हुए कोई घबराता भी है और कोई पूछना भी नहीं चाहता। तो सर सबसे पहले हम चाहते हैं आप ऑडियंस को अपने बारे में सर प्लीज बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कलाम साहब, आपने मुझे स्लाइड समझा कि आपके यूट्यूब चैनल पर मैं आऊँ और जो आपने सुना है वो तो मैं साहब देखिए छोटा सा सेवक हूँ, बच्चों का सेवक हूँ, ये कह लीजिए जो मुझे ऊपर वाले ने अल्लाह ने भगवान ने जो मुझको खुशकिस्मती बख्शी है मेरी माँ की दुआओं से और मेरे शब्द भगवान ने दीनों की दुआओं से वो मैं खिदमत कर रहा हूँ बच्चों की। तो मुझे तकरीबन 19 से 20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और मैं बेस बड़ा बड़ा बदायूं में हूँ, पैदा भी चुकी यहीं हुआ हूँ, मेरी खुद की एक बिज़नेस फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे घर में बिज़नेस होता है। ये कह लीजिए कि मैं और मेरा छोटा भाई वो थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर चेंज करके सर्विस लाइन में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएँ दे रहा हूँ पिछले 18 साल से, पहले मैंने करीब 9 से 10 साल 11 साल मदर एथरा स्कूल में अपनी सेवाएँ दी थी और अब पिछले 7 सालों से मैं ग्रूमिंग मेरे स्कूल में हूँ जो कि एक लंबी श्रृंखला बन चुकी है आज की ब्रांच दादागढ़ में भी है और बदायूं में भी है और आगे भी हम करने के लिए इरादे हैं। कलाम साहब आपको ये बताऊं कि मेरी स्कूलिंग जो है वो नैनीताल से और बेस मेरा पहले मिशन इंग्लिश स्कूल में था और मुझे खुशकिस्मती इस बात की कि मैं बदायूं से निकल कर नैनीताल पहुँचा, क्योंकि मेरे वाले साहब थोड़ा सा चाहते थे कि उन्होंने मेरे इस पोटेंशियल को जब देखा, मेरे जज्बे को देखा कि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा एक्टिव ही रहता था हमेशा से और इंग्लिश में एक्टिव रहने के साथ साथ मुझे मैथ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ा डर लगता था। तो मेरे पापा ने मुझको ऑफर दिया कि ठीक है बेटा क्या करना चाहोगे, मैंने पापा हम लैंग्वेज के मामले में थोड़ा सा हमें दिलचस्पी है, तो बोले ठीक है बेटा जो कर लो। लंबे टाइम को नैनीताल में गुजारने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट अपना यहाँ से किया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से, फिर मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डांस कॉलेज से थी, चूँकि मेरे उस्ताद जो थे जनाब जमील अहमद खान यूसुफी, जलील अहमद खान यूसुफी साहब, और दुनिया में नहीं है लेकिन उनको या उनकी दुआओं का बहुत असर है जो आज मैं यहाँ पर हूँ। उसके अलावा मेरे इस क्षेत्र में जो भीष्म पितामह जिनको कहा जाए वो आज भी मौजूद हैं, जनाब ब्रजेश सारस्वत जी जो कि मदर एथना स्कूल के मालिक हैं, और उसके बाद बच्चे हैं, बच्चों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचा दिया, माँ बाप की यकीन ने माँ बाप के विश्वास ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तो 19 साल से इस फील्ड में खड़ा हुआ हूँ, चलता चला जा रहा हूँ और ज़्यादा नहीं कर रहा लेकिन हाँ जो कर रहा हूँ वो बच्चे मुझे उसका अच्छा रिजल्ट देते रिस्पॉन्स देते हैं तो अच्छा। बहुत अच्छी बात है सर की सादगी बहुत अच्छी है, बच्चों के मुँह से ही इनके फीडबैक को अगर ले सकते हैं, किसी भी टीचर को अगर जानना है तो टीचर के मुँह से ना सुनकर उसके बच्चों से उसका फीडबैक लेना चाहिए। तो जैसा कि सर की सादगी बहुत अच्छी है, आप खुद देख रहे हो इतनी सादगी से बात करना, यही एक टीचर को सबसे अहम टीचर बनाता है। तो सर जैसा कि आपने अभी अपने वार्तालाप के दौरान कुछ कहा था कि आपकी जो फैमिली है वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो आपने टीचिंग ही क्यों चुनी? राम साहब इसके भी पीछे थोड़ा सा राज है, मैं शुरू से बहुत खर्चीला था। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा हुजूर जनाब ज़हूरुद्दीन साहब लकड़ी की टाल उनकी मशहूर थी, आज भी दादा का नाम मशहूर है, वो तो ख्याल नहीं रहे दुनिया में जीवित नहीं है वो, लेकिन उनका नाम ज़िले में और कस्बे में बहुत जगह चारों तरफ मशहूर था। तो लकड़ी का जब हमारे कारोबार था तो मेरे खर्चे बहुत थे, खर्चे इन द सेंस मैं खाने पीने कपड़े पहनने का बहुत शौकीन था, चूँकि दौर ऐसा था जब भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना मैं मोबाइल इस्तेमाल करता था ना मोबाइल थे उस ज़माने में, म्यूज़िक का मैं बहुत शौक रखता था, तो ऑडियो कैसेट से लेकर सीडी तक आपको मेरे कलेक्शन में अगर आज भी आ पाए तो बहुत बहुत अच्छे लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, इतना कलेक्शन आपके पास कैसे है।
तो उससे मुझे थोड़ा सा लगता था कि चूंकि जॉइंट फैमिली है मेरी, मेरे फादर, मेरे भाई की, और चूंकि दो मेरी बड़ी बहनें थी, उनकी मैरिज हो चुकी थी, तो मुझको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिद को या मेरे छोटे भाई को ये लगे, छोटे भाई को कि कहीं लगे कि भाई खर्चा ज़्यादा, तो मैंने चलिए कुछ अपना करते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा, बस एक छोटा सा आप दुर्घटना बनी, घटना कह सकता हूँ कि मैं एक अपने भतीजे का एडमिशन कराने गया था मदर एथना स्कूल में, वहाँ चूँकि इंग्लिश में फ्लुएंट था मैं शुरू से, वहाँ के डायरेक्टर से बात की, चूँकि वो मेरे चचा के भी दोस्त थे, उनको मैंने अपने बारे में बताया, तो वो ये बोले एडमिशन कराने आया और आप अपनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप बाहर क्यों बैठे। तो मैंने सर चूँकि बिजनेस है पापा का और उसमें ठीक बोले कितना कमा लेते हैं, तो मैंने सर कमाई का तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हो जाता है ठीक है और जैसा चल रहा है ऊपर वाला अच्छी गाड़ी चला देता है, तो बोले कुछ और करना चाहेंगे, मैंने जी बिल्कुल करूँगा। तो बोले चलिए मैं अगर आपको पढ़ाने का मौका दूँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा। देख रहे हैं आप वीडियो में किस तरीके से सर को कहाँ पर थे और किस तरीके से अल्लाह ने, ईश्वर ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर लेके आए जहाँ पर इनके टैलेंट ने इनकी मदद करी, ना कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा दूंगा। चूँकि आपको पता होगा कलाम साहब, बधाइयों में हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का जो जोर है बहुत जीरो है। आप अगर कहीं किसी मार्केट में खड़े होकर किसी एग्जीक्यूटिव से भी अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो चार लोग आपको देखते हुए जाते हैं कि इंग्लिश बोल रहा है कैसे बोल रहा है। और चूँकि यहाँ का मैं खुद भी देखता हूँ कंडीशन जो है थोड़ा सा, आजकल के बच्चे बच्चियाँ जो जॉब कर रहे हैं यहाँ, तो बहुत बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं आप, तो वो बेचारे थोड़ा सा कहीं तंग हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग हाय हेलो तक मामला सीमित रह जाता है। तो मैंने उनसे कहा जीश कुमार जी से कि ठीक है सर आप बताइए, तो उन्होंने मुझको पहले ही सेशन में 9th, 10th और 12th दे दिया, 11th भी दिया था, और ये बात है 2003 अक्टूबर की। तो मुझको भी लगा ये कैसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि चीज़ों का जो पढ़ाने का तरीका होता है और इंग्लिश बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो मैंने फिर भी स्टडी की, थॉरली देखा, और धीरे 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 फिर बच्चों के सहारे, माँ बाप की दुआओं के सहारे और आप जैसे भाइयों के सहारे आज यहाँ पर बैठा। 2003 का सफ़र जो मेरे शुरू हुआ था, 2021 तक अभी तो जारी है, और खुशकिस्मती इस बात की है कि जब तक जज्बा है तब तक जारी रखूँगा। दो दो लॉकडाउन होने के बावजूद भी अभी तक तो उम्मीद, आस और अल्लाह ने और भगवान ने मेरे अंदर हिम्मत और जज्बा को छोड़ा नहीं है, बाकी आगे नहीं कह सकते। देखिए जो तो आपने टीचिंग जो है कोरोना वायरस के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी ऑनलाइन, हमने स्कूल की तरफ से जो हमारे ऐप थे हमने उसमें जारी रखी, चूँकि कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कहें तो देखिए नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे राज्य सरकार ने बंदिशें लगा दी थी, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस थे वहाँ हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए, और उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए हमने बच्चे को तब भी उतना सिखाया कि बेटा देखो पढ़ाई से बहुत कुछ है। अगर मैं और आप हम दोनों ही कहें कि हम लोग और आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं कि हम आज अपने रोजी रोटी कमाने के लिए सक्षम हैं, कैपेबल हैं, लेकिन चूँकि अब जिस हिसाब से हम कंडीशंस आगे देख रहे हैं तो इतना कॉम्पिटिशन का इतना दौर है कि अगर हम पढ़ाएंगे नहीं बच्चे को तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। और उसी सिचुएशन को लेके मैंने भी अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को कंटिन्यूएशन में रखा कि आप परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, हमारा स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने ऐप डेवलप किए माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, पहले तो जूम पर स्टार्ट किया था लेकिन जैसे कि आपको पता है जूम से हट के हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आए और फिर उस पर बच्चों को हमने डेवलप ऑनलाइन किया। सर वैसे ये क्वेश्चन है आपसे और मेरा ये जो क्वेश्चन है वो और स्टूडेंट्स का भी होगा, क्योंकि और स्टूडेंट्स ये चीज़ पूछ नहीं पाते हैं, हो सकता है वो डर या किसी और कारण से। मैं भी बहुत चीज़ें फेस कर चुका हूँ कि काफ़ी टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि जब हम इंग्लिश में कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, मतलब बधाई है, सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ बधाई की, तो टीचरों का ये कहना होता है कि अपनी मदर टंग में ही बात करनी चाहिए, ये सिर्फ इंग्लिश एक कह सकते हैं कि रिश्तेदार है, मेहमान है, जिसको हमें सिर्फ कुछ पल के लिए अपनाना है, उसके बाद में छोड़ देना है। तो क्या आपको लगता है कि इस विचारधारा के साथ में इंग्लिश आगे बढ़ पाएगी? देखिए कलाम साहब, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर इसके बारे में आप उससे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले ये कहलवाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सुन लीजिए कि यदि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं मानता हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी के साथ जो एक हमारी संलग्न भाषा लगी हुई अटैच जो भाषा है वो अंग्रेजी है। आज के इस हमारे युग में जैसा कि आपके सामने टेक्नोलॉजी ज़रूरी है वैसे इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है,
आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी कि जिस हिसाब से मातृभाषा में हम सब लोगों को प्रेरित किया जाता है, हमको इंस्पायर किया जाता है कि हम लोग मातृभाषा में काम करें। इवन पहले तो कभी बैंक में हम लोग चेक या बहुत सारे विड्रॉल्स इंग्लिश हिंदी में भर के देते थे तो वो मानते नहीं थे लोग, उसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज तो बैंकों में भी जगह जगह लिखा है कि विड्रॉल फॉर्म व चेक हिंदी में भी सहज स्वीकार किए जाते हैं। तो जो कंडीशंस थी देखिए वो तो अब नहीं है, इंग्लिश का प्रारूप थोड़ा तो बदला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जिस हिसाब से हमारी मातृभाषा आगे बढ़ रही है उस हिसाब से अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। मातृभाषा का अपना महत्व है, अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व है, चाहे इसको आप बोलने में लीजिए, चाहे इसको लिखने में लीजिए, और चाहे इसको हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश को सिर्फ मेहमान बना के ही रखना चाहिए, ना कि इसको मदर टंग का रूप देना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सच में ऐसा होना चाहिए या मदर टंग अपने अलग एग्जिस्ट करती है और इंग्लिश अलग एग्जिस्ट करती है? कलाम साहब आप भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। यस, भारत में हमारे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी के मामले में बोलना और लिखना बिल्कुल शून्य है। आप दूर मत जाइए, अभी एक करीब साल पहले मैं पंजाब से होके गुजर रहा था, मैक्लोडगंज जा रहा था, तो रात में मैंने शायद करीब काफ़ी रात थी तो ड्राइवर गाड़ी चला था, मैंने उसको पूछो रास्ता किधर जाना है, हिंदी में मैंने बात की लेकिन वो बंदा समझ नहीं पाया, तो हमने उससे इशारे से पूछा कि रास्ता किधर को जाना है, तो उसने बताया कि हिमाचल की तरफ। तो अब मैं इस बात की आपसे सहमति ना तो ले सकता हूँ ना दे सकता हूँ कि हिंदी की जो हमारी महत्वता है वो घट रही है, बढ़ तो रही है बढ़ती रहेगी, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नगण्य है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मान लिया मैंने चलिए कि वो जो आदमी था वो शायद अंग्रेज़ी भी नहीं समझ पाता, लेकिन हम इस बात को कैसे आश्वस्त हो जाए कि वो हिंदी भी समझता था? क्या बात है, आप लोग भी इस चीज़ से समझ गए होंगे कि सर किस तरीके से इंग्लिश के महत्व को बताने की कोशिश कर रहा है और उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करना चाहिए हम सभी लोगों को जितना हो सके, क्योंकि इंग्लिश से हम दूर नहीं भाग सकते। इंग्लिश एटमॉस्फेयर बनता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो कि इसका सबसे बड़ा रूप है। तो सर क्या आप अपनी टीचिंग जो मदर एंथना हो गया ब्लूमिंग डे में भी आप अपनी समूमि का अदा कर रहे हैं, उसके अलावा क्या सेपरेश कोचिंग दे रहे हैं आप क्या? हाँ देखिए, बच्चों को जरूरत पड़ती है तो मैंने कभी मना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, मैंने बच्चों से मना नहीं किया। बच्चे क्योंकि जो कंडीशंस हैं उसमें बच्चों को लगता है, बताइए हमारा एक रूरल बैकग्राउंड है, उसमें बच्चों को एडिशनल अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं बताने को हमेशा तैयार रहता हूँ। और मेरा एक थोड़ा सा उसूल है कलाम साहब कि वैसे तो आप शायद जानते ही होंगे कि CBSE में कोई गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत अगर बच्चा है और छोटा है गरीब है तो मैं उसको हमेशा से मुफ्त सेवाएं प्रदान करता हूँ कि बेटा पढ़ो और बस मुझे दुआ दो। चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा सिर्फ पैसे की कमी से शिक्षा से महरूम रह जाए, शिक्षा से वंचित रह जाए। पैसे ऑडियंस भी देख रहे होंगे, मैं भी अभी यही क्वेश्चन पूछने वाला था जिसका जवाब ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप अपने प्रोफेशन को एक तरीके से प्रोफेशन ना मान के और लोगों की जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सर बहुत सारे संस्थान हैं, आप भी देख रहे हैं इंग्लिश के जितने बढ़ते चले जा रहे हैं वो इंग्लिश के नाम पर ठगी कर रहे हैं, लोगों को पूरी गारंटी देते हैं कि 100% एश्योरेंस देते हैं आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा लिखना भी। तो उन लोगों के लिए क्या आपको उनकी आँखें खोलना सकते हैं? देखिए कलाम साहब, मैं आपको सिर्फ इस तकनीकी युग के बाज़ार में ये बात कहना चाहूँगा, ये बाज़ार है, हर किसी की बात चलती है, ऊपर वाले ने हर किसी की रोजी रोटी लिखी है, मुझे किसी पर कोई ताना कोई दिशना कोई सरकार कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। अब कौन क्या सिखा रहा है लेकिन अब ये है कि हाँ देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जब आप आ जाएं तो कोई भी चीज़ गलत या किसी भी प्रकार से नेगेटिव ना आप इम्पैक्ट डालें जिससे किसी पढ़ने वाले बच्चे पर ये गलत असर पड़ जाए, वो उससे ठीक नहीं होती है बात। मैं ये भी कह रहा कौन क्या कर रहा है, वो जो कर रहे हैं वो अपने स्तर से बेहतर करें और अच्छा करें, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो उससे और अच्छा करने की कोशिश करें। हाँ क्योंकि देखिए एक आप अगर फील्ड में बैठे हैं तो कलाम साहब आपको भी पता होगा कि आपके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो आपको नाम देते हैं, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझको नाम देते हैं, अगर यही बच्चे नाम नहीं देंगे या दुकान का ग्राहक नाम नहीं देगा तो फिर हमें आपको कौन पूछेगा? ये है बात।
बिल्कुल ठीक कहा सर ने। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें ये संदेश भी देना है और टीचरों को, जितने भी टीचर हमारे गुरुदेव, जितने भी इंग्लिश के अध्यापक हैं या किसी भी फील्ड के जो अध्यापक हैं, वो बच्चों से उतनी ही फीस वसूल करें जितने के हकदार हैं। अगर बच्चा गरीब है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से फीस को तय करें, ना कि अपने हिसाब से फीस को तय करें कि एक तरीके से उसको पूरी तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर देना। आपने शब्द का नाम लिया कि एक व्यापार है, व्यापार है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊंगा, कल आप साथ यहाँ बीच में रोक रहा हूँ आपको। मेरे स्कूल में जहाँ मैं आज पढ़ रहा हूँ, 2016 में एक बच्ची थी मुस्कान शर्मा, उसके 100 में 100 थे, जो CBSE का बधाई का पहला रिकॉर्ड था। उसके बाद 100 में 100 आए, खैर वो पहला रिकॉर्ड था अलहमदिल्ला मेरे नाम था। तब से मेरे बारे में एक बच्चों के अंदर अवधारणा आ गई, खासकर 12वीं क्लास की, मेरे क्लास के और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद बच्चों से आप पूछ सकते हैं, बच्चों से आपका इंट्रैक्शन कर दें तो पूछिएगा। तो ये कहते हैं कि अगर मेरे क्लास में है तो उन्हें एडिशनल हेल्प या कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत अच्छा आ रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा भी मेरे बच्चों ने सिखा दिया। बिल्कुल, क्या बात है जी। ये होती है सादगी और ये होता है टीचर का महत्व, जो वो खुद ना बताकर वो ये खुद कह रहा है कि अपनी मेरे स्टूडेंट से खुद इंटरेक्ट करके आप ये बात जान सकते हो। तो ऐसे ही टीचर और ऐसे ही गुरुओं की हमारे भारत देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एक नया मोड़ लेकर आए इस पूरे हिंदुस्तान में। एक अंग्रेज़ी को नया मोड़ दें, साथ साथ हिंदी को भी महत्व दें, जैसा कि हमारे सर ने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलने की बात कही और महत्व को बताते हुए आगे की धारणाएं प्रस्तुत करें। तो सर, एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप एक टीचर हैं और बहुत लोग जानते हैं आपको, पता है, ऐसा तो है कि कोई नहीं जानता, मेरी वीडियो देखने वाले भी आपको जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप कर्म करते हैं, आप कितना अच्छी नॉलेज रखते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे को वो मैटर करता है। तो बच्चे इसीलिए आपसे सबसे ज़्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं और मैं भी आपकी सादगी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने कभी सर से मुलाकात नहीं करी थी, लेकिन जैसा कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है ना सर, उसमें कॉमन मैन से लेकर VIP तक हम सबको कवर कर रहे हैं। VIP तो कवर होते ही हैं, हम चाहते हैं कि कॉमन मैन से लेकर जो कम स्तर पर काम कर रहा है उसको भी कवर करें। मैं VIP नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बधाइयों की VIPs में मैं जाना चाहता हूँ। जब लोग मेरा नाम लेते, चाहे मैं VIP हूँ, चाहे मैं अपने जो हमारे शहर के जाने माने लोग हैं, चाहे वो मैं कहूँ माननीय हमारे राज्य मंत्री महेश गुप्ता जी हों, चाहे मेरे पूर्व विधायक माननीय आदिल साहब हों, चाहे हमारे पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी हों, या वर्तमान सांसद हमारी सुमित्रा मौर्य जी हों, उनको एक अच्छे रुतबे में सलाम दुआ रखना ये मेरा काम है। देखिए साहब, मैं सेवा समाज को दे रहा हूँ, मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे पास हर दल के, हर जिला अध्यक्ष के, हरीश रावत साहब मेरे पुराने मित्र हैं, हरीश रावत कह रहा हूँ, ये हरीश शाह जी, अशोक भारती जी के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, फख्र है मुझे इस बात का। उसके अलावा मेरे पास हिमांशु यादव मेरे पास पढ़ के गए हैं, अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया कर रहा है राजनीति में। और उसके अलावा मतलब तकरीबन मेरे पास अभी आपके बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, आप शायद जानते होंगे, ये अपने श्री रामूर्ति जी, उनके बेटे मेरे पास पढ़ के गए हैं। तो मैं ये नहीं है कोई मुझसे कह के किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, मैं साहब बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। और इस क्षेत्र में मुझे ना तो कहीं चुनाव के क्षेत्र में जाना है, बस सर को अपने ज्ञान और अपनी टीचिंग का जो अंदाज है उसको बिखेरना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और वो आखिरकार ये कर चुके हैं और अभी भी लगातार प्रयास करते ही चले जा रहे हैं। हम इसी आशा के साथ में विदाई लेते हैं कि जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए जुनून के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में और एक नया सर का रूप लेकर। तो चलिए, जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद और जय भारत। देखिए बच्चों, एक बात आप याद रखिए, इंग्लिश के मामले में एक जगह आप सब लोग आश्वस्त रहिए, डिक्शनरी में एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक वर्ड है दो मीनिंग है, और ये बहुत सारी जगह मैंने अपने हर बच्चे को बताया कि बेटा जहाँ जो शब्द आ रहा है उसको देख कर चलो, अगर उसको देख कर आप नहीं चलोगे, डिक्शनरी में नहीं देखोगे, तो हो सकता है उसका वो मीनिंग ना हो। और मैं अंत में शब्दों से कलाम साहब से पहले कुछ कहना चाहूँगा, सबसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा,
ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे अंग्रेजी के शब्द हैं, माननीय हमारे महामहिम तो हम जिनको कह सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्द हैं, सुन लीजिएगा। लिव लिव एज इफ यू हैव टू डाई टुमॉरो, लिव एज इफ यू हैव टू डाई टुमॉरो, जिंदा ऐसे रहिए जैसे आपको कल मर जाना है, जिंदा ऐसे रहिए जैसे आपको कल मर जाना है। एंड लर्न एज यू हैव टू लिव फॉर एवर, एंड लर्न एज इफ यू हैव टू लिव फॉर एवर, सीखिए उस हिसाब से कि आपको दाउन जिंदा रहना, सीखिए उस हिसाब से जैसे कि आपको दाउन जिंदा। क्या बात है, इसी आशा के साथ में, इसी थॉट के साथ में चलते हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपके दिलों में, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठकर कुछ ऐसा कर दिखाने की उमंग जाग जाए जो शायद हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हो जाए। जय हिंद और जय भारत।